स्टूडेंट, आज आपके सामने हम बताएंगे आपको नंबर यानी कि वचन। वैसे इंग्लिश में आपके वचन जो होते हैं या नंबर जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? दो प्रकार, मतलब टू टाइप। तो आपका जो नंबर है यानी वचन जो है, यहाँ पर आज हम बताएंगे दोनों प्रकार। पहला प्रकार आपका सिंगुलर एंड दूसरा प्रकार प्लूरल। तो सिंगुलर एंड प्लूरल दो प्रकार के हमारे ये वचन हैं यानी कि नंबर हैं, और इन दोनों वचन को हम एकदम कंप्लीटली आज पढ़ लेंगे। और आज से यहाँ पर आपको आपस में इसका बदलाव भी सीख लेंगे, सिंगुलर से प्लूरल या आप प्लूरल से सिंगुलर में, यानी दोनों वचन को हम समझते हुए चलेंगे। और इनके रूल जो है, इनके नियम जो है, विद रूल्स के साथ हम बताएंगे एक एक रूल। तो चलिए हम एक एक रूल आपके सामने यहाँ पर लिखते हैं और बताते हैं। जैसे कि क्या है कि कभी कभी सिंगुलर और प्लूरल को आप हिंदी में समझे से बोले जाते हैं एक वचन या बहुवचन। एक वचन सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। एक वचन का मतलब कोई भी वस्तु, व्यक्ति या एनी थिंग्स, कुछ भी हो, केवल एक हो, ओनली वन पीस। तो जब एक हो तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर। एंड जब एक से अधिक हो, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो, एक से जब ज्यादा हो तो हम उसे बोलते हैं प्लूरल, मतलब बहुवचन। बात समझ सकते हैं? जैसे मैंने बोला लड़का, तो ये एक वचन हो गया। मैं बोला अगर लड़कों, लड़के, दैट्स बहुवचन। एक बात और समझना, हमें हिंदी में एक वचन से बहुवचन अगर बनाना है तो हम कुछ चीजें बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जब कोई भी नाम हो, कोई भी आपका नाम अगर दिख रहा है या कोई भी थिंग्स दिख रहा है, उसमें आपको क्या करना है, एक ही मात्रा लगा देना है बिंदु के साथ। क्या? ध्यान देना, इसका एक ही मात्रा लगा देना है बिंदु के साथ, या आपको ओ की मात्रा लगा देना है बिंदु के साथ, लगभग आपका वो बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपका हिंदी में अगर हो ऐसी चीजें तब ठीक है, हिंदी में अगर ऐसी चीजें हैं तो आपको यही काम करना है। तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए मैं बोलता लड़का तो आप जोड़ देते लड़के, बहुवचन हो जाता। अगर मैं वहां पर लड़का हो तो मैं जोड़ देता लड़कों, बहुवचन हो जाता। मैं अगर इसी तरीके से बोलता कि आपका जैसे कोई भी हो, जैसे कुत्ता, तो वहां पर मैं लगा दूं एक ही मात्रा कुत्ते, या तो आपका बिंदु लगे या ना लगे, दो में से एक बिंदु या तो लगा के या तो ना लगा के रहेगा, एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, बिंद बिंदु, मतलब बिंदु के साथ या बिना बिंदु के भी। तो आपका है, मैंने बोला कुत्ता, कुत्ते या कुत्तों, हो जाएगा बहुवचन। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारा एक वचन और बहुवचन के आधार पर हम इंग्लिश में कैसे समझेंगे कि हमारा इंग्लिश में कब और कैसे कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहला रूल लिखते हैं। रूल यहाँ पर जो भी है, फर्स्ट रूल्स, रूल्स नंबर वन। ठीक, नंबर वन रूल्स क्या है आपका, कि हम यस को जोड़कर, ठीक है, साधारण साधारण रूप से, नियम नहीं लिखेंगे, साधारण सिंगुलर में, किसमें? सिंगुलर। ध्यान देना, अगर मैं यहां पर यस लिखूंगा, यहां पर अगर मैं यस लिख देता हूं तो समझ लीजिएगा कि सिंगुलर है। यस लिख रहा हूं समझ लो जो वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, यस में, सॉरी यस में नहीं, मैं सिंगुलर ही लिख देता हूं, सिंगुलर में, सिंगुलर में हो तो उसमें क्या लगाएंगे, अंत में यस लगा देंगे। क्या? अंत में यस लगाकर, यस लगाकर। ठीक, पहला रूल तो ये कह रहा है कि आपका अधिकतर जो है, साधारण देखा जाए तो कोई भी आपका वो नाउन हो, मतलब कोई भी प्रकार का कर्ता हो, उसमें आप एक्स लगा दो, एस लगाना है, एक्स नहीं। ठीक, एस लगा देते। जैसे मान लीजिए मेरा होता क्या, डॉग, यहां पर मैं लिखता हूं जैसे, क्या होता मेरा, डॉग, तो मैं इसको क्या कन्वर्ट करता, यहां पर ये यह होता डॉग्स, क्या होता, डॉग्स।
एंड इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, अगर मेरा होता डे, क्या होता डे, तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाता, डेज ऐसा लग जाता। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरा होता जैसे कि फैन, इसका कन्वर्जन क्या हो जाता आपका, ये हो जाता फैंस। इसी तरीके से और भी हैं। तो ये पहला रूल है कि आप साधारणतः अब इस तरीके से अगर जब बनाएंगे, बहुत सारे हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा रूल नंबर दो, रूल नंबर दो, रूल नंबर दो क्या है कि आपका किसी भी सिंगुलर नंबर, ठीक है, कोई भी मान लीजिए है, कोई सिंगुलर है, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन में, मतलब सिंगुलर यदि यहां पर सिंगुलर नाउन एन मैंने लिखा, लिख देता, आपका कोई सिंगुलर नाउन हो और उसमें कुछ कंडीशन हो, अभी तक तो इसमें कोई खास कंडीशन नहीं थी, वैसे ही ऐसा लगा देना था लास्ट में तब बना, लेकिन इसमें जो है आपके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, तो सिंगुलर नाउन के अंत में जो आपका अंत में क्या क्या हो, यस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, या आपका जेड हो, इतने इतनी चीजें हो। अगर इतनी चीजें हो तो आप तो क्या करना है, तो ई एस जोड़ देंगे, तो अंत में ई एस जोड़ देंगे, ई एस जोड़कर, ठीक, यस जोड़कर, जैसे अब जैसे के रूप में आपको देखना है कि हमारा एग्जाम्पल्स कौन है, रूल क्या कह रहा है, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, अब ये नाउन हो सकते हैं कुछ, लेकिन आपको देखना है इसमें क्या है कि उसके लास्ट में जब आपका सिंगुलर मिल रहा है, उसके लास्ट में यस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, जेड हो, यानी अगर आप सीधे सीधे शब्दों में जोड़े, एस को हम क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं, और कभी कभी ज भी बोलते हैं, तो सा और ज वाला जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो आए, तो समझ लो कि आपको क्या लगा देना है, उसमें ई एस लगा देना है। कुछ ऐसी चीजें आपको समझ के चलना है। जैसे देखिए, मैंने यहां पर अभी लिखा नहीं, तो यहां पर मैं लिखूं बस, क्या लिखूं, बस, अब इसमें दिमाग लगाइए, एस आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बसेज, क्या हो जाएगा, बसेज। ओके, फिर से मैं अगर देखूं बस के बाद बॉक्स, इसका क्या हो जाएगा, बॉक्सेज। ठीक, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे क्लास, क्लासेज, बहुत सारे हैं इसी तरीके से। ठीक है, ते हो जाते हैं रूल, आपका लास्ट में अगर ये अक्षर दिख रहे हैं तो आपको ई एस जोड़ना है, बस इतना ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि अगर किसी भी सिंगुलर नाउन में, किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, इसके अंत में अब क्या आए, एफ या एफ ई आए, एफ हो या एफ ई हो, मैं एफ ये दोनों भी लिख देता हूं, एफ या एफ ई हो, तो अगर ये हो रहा है तो इसको, तो इसे हटाकर, इसे हटाकर बी में बदल कर, बी में बदल कर ई एस जोड़ देंगे,
ईएस जोड़कर बनाएंगे, ईएस जोड़कर, ठीक है। हम लास्ट में इसमें क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे, फिर कंडीशन कुछ ऐसे होगी। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जो आपका सिंगुलर नाउन हो उसके अंत में आपका एफ हो या एफ ही हो, दोनों में से एक हो, का चाहे जो एफ हो या एफ ही हो, तो आपको क्या करना है, एफ या एफ ही को, चाहे आपका एफ हो चाहे एफ ही हो, दोनों को में से कोई भी हो, इसको हटा दो। आप हटाने के बाद वहां पर वी लगा दो। अगर आप हटाने के बाद वी लगाते हैं तो वी लगाने के बाद ई एस और उसमें जोड़ना, यानी वी ई एस जोड़ना है, बस इसको हटाओ, वी ई एस जोड़ दो, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं, लीफ क्या है, लीफ, और दूसरा है आपका लाइफ, ठीक, दोनों को मैं कन्वर्ट करता हूं। जैसे लीफ का देखिए तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर लीव जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीव, ठीक। और लाइफ का अगर हमें देखूं तो क्या हो जाएगा, लाइफ ऐसे देखे भी होंगे कहीं पर, इन दोनों मिले आपको, मिले भी होंगे, तो ये भी आपका लाइफ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइफ, लाइफ है ये, लाइफ जो हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है और रूल को समझना है। देखिए जितने भी आपके ये रूल होते हैं, जिस तरीके से बता दे रहे हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा, बाकी इजी है। तो तीसरे, चौथा रूल आपका आ रहा है, चौथा रूल आपका, अभी आपके लिए बहुत सारे रूल होते हैं अगर मैं समझाऊं तो, ठीक है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें आपको समझने वाली बात है। चौथा रूल जो आपके लिए है, यदि कोई अक्षर आपका हो उसमें लास्ट में क्या हो, वाई हो, क्या हो, वाई, कंडीशन देखिए क्या हो, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, अंत अक्षर हो, अंत में का मतलब लास्ट वाला अक्षर, अंत में क्या आए, वाई हो, क्या हो, वाई हो, वाई हो, और वाई हो, और कुछ कंडीशन भी है, और वाई के पहले, वाई के पहले, मतलब वाई के पहले कुछ कंडीशन बताई जा रही है, उसको देखना है, वाई के पहले व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन हो, व्यंजन मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्सोनेंट्स हो, क्या, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर क्या करेंगे, वाई को जब हटा देंगे तो हमें आई ई एस लगाना पड़, आई ई एस को जोड़कर, को जोड़कर, ठीक, इस तरीके से बनाना है। तो इसके लिए आपको पता है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूं, जैसे आर्मी, ठीक, फिर मैं दूसरा अगर लिखूं सिटी, फिर मैं अगला लिखूं लेडी, फिर मैं अगर ऐसे लिखूं तो नर्सरी, ठीक। अब यहां पर सभी में देखो, लास्ट में वाई आ रहा है, उससे पहले व्यंजन आ रहे हैं, आपका ए बी सी डी में जो होता है, तो व्यंजन कॉन्सोनेंट्स कौन सा होता है, वी होता है, सी होता है, इसी तरीके से वाई को हटाओ और लगाओ, क्या लगाना है, आर, वाई को हटाना, आई वी यहां लिखा हुआ है, वो यहां पर लिखा हुआ है, ये वाली कंडीशन, जैसे इसमें सभी में मैं लिख देता हूं, कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं टिक कर दूंगा। तो वाई को हटाना, वो और वाई पहले व्यंजन हो तो आपको आई ई एस में कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पर आपको लिखना है आई ई एस, ठीक। इसी तरीके सिटी में देखना है तो आपका क्या हो जाएगा, सिटी में वाई हटाइए तो हो जाएगा आई ई एस, सिटीज हो गया। लेडी में देखना है आपको तो एल ए डी आई ई एस, लेडीज हो जाएगा। नर्सरी में देखना है इसी तरीके से, तो यानी यू आर एस ई आर, अब यहाँ पर आई ई एस लगा देना, नर्सरीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नर्सरीज। इस तरीके से आपको समझना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। तो पांचवा रूल क्या होता है, कि आपका जब किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में
आपका ओ जैसे होता है या कोई भी चीज जैसे होते हैं, यदि सिंगुलर नाउन के अंत अक्षर अंत में क्या हो, ओ हो, क्या हो, ओ हो, और उसके पहले, और इसके पहले, और इसके पहले वाबिल हो, क्या हो, वाबिल मतलब स्वर, ठीक, स्वर हो, तो एस जोड़कर, एस को जोड़ करके बनाया गया। अब यहां पर बात बोला जा रहा है कि अगर आपका लास्ट में क्या हो, ओ हो, और ओ से पहले आपका कोई वाबिल हो, ध्यान दीजिएगा, क्या हो, ओबेल हो, मतलब लास्ट में ओ हो, लेकिन कंडीशन ये है ओ होने के पहले, जस्ट उसके अक्षर के पहले कोई भी आपका वावेल हो, यानी वाउल हो, यानी कि आप समझे वो ए ई आई ओ यू इन सब में से हो, जिसको बोलते हैं स्वर, तब आपको कैसे कैसे बदलना होगा, तब आपको यस लगा देना होगा, क्या लगा देना होगा, यस, जैसे इस तरीके के लिए आपको, जैसे मैं बोलूं कोई एक कैरेक्टर कुकू, क्या कुकू कुकू कुकू, सी यू सी के डबल ओ, एक आपका ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, बम्बू, इस तरीके से कन्वर्ट अगर इनका हम करेंगे तो कुकू का आपका हो जाएगा कुकूज, बम्बूज, क्या हो जाएगा, बम्बूज, तो इस तरीके से आपका होना है। इसके बाद आपका छठा रूल हो जाता है, अब आपके लिए क्या है, क्या ये हो गया, छठे रूल में क्या है, ओ हो, लेकिन उसके पहले कोई सारी कंडीशन हो, ओ हो, ओ हो, बट यहां पर पहली कंडीशन, तो इसके पहले वाबेल हो, तो कंडीशन नंबर एक ये है, कंडीशन नंबर दो हो, यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है, कॉन्सोनेंट्स हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो, कॉन्सोनेंट्स हो, यानी कि व्यंजन हो, तो सारी कंडीशन यही हो, सिंगुलर नाउन में अंत में वाई हो, ओ सॉरी ओ हो, यहां पर स्वर हो, ये उसके पहले ओ हो, उससे पहले स्वर हो, तो ये चीज यस लगाना है, और कॉन्सोनेंट्स हो, ओ हो लास्ट में, लेकिन उसके बाद कॉन्सोनेंट्स हो, तब क्या होना है, तब आपको ई एस जोड़ के बनाना है, क्या, ई एस जोड़कर, ठीक, ई एस जोड़कर, जैसे जैसे के लिए पोटैटो, ठीक, सेम इसी तरीके से है बफेलो, तो पोटैटो में अगर हम देखते हैं तो हमारा पोटैटोज हो जाएगा, क्या, अब ई एस जुड़ेगा इसमें, क्या जुड़ेगा, ई एस, और इसमें भी इसी तरीके से बफेलोज हो जाएगा, सेम इस तरीके से आपको समझना है चीजें। रूल नंबर छह हो गया, समझ लीजिए ये छह हो गया, क्योंकि पांच और छह सेम ही है, तो हम यहाँ पर छह डाल रहे हैं लेकिन दूसरा फर्क बता रहे हैं, क्योंकि ये इसमें दो रूल काम करना था, उसको मैंने एक में ही लिख दिया, क्या मैं इसमें टाइम खराब करूं, इसलिए मैंने उसको एक में ही लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर है कि यदि कोई सिंगुलर नाउन हो, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, ठीक है, और यहां पर व्यंजन था तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़ा गया था, ठीक है, लेकिन यहां पर बात हो रही है उससे पहले व्यंजन ना हो, यहां पर स्वर हो, वाई हो, और वाई के पहले, मैं इसको, मुझको इसी तरीके से यहां पर भी बताना था, वाई से पहले क्या हो, इसमें वावेल हो, वावेल यानी कि वाउल स्वर हो,
तो वाई के बाद क्या, अगर वाई है तो वाई के बाद यस जोड़कर, यस जोड़कर, यस जोड़ के हम बना देंगे, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं देखूं वाई की, ठीक, वाई के क्या हो जाएगा, बॉयज, की क्या हो जाएगा, कीज। देखिए सभी में देखिए, इसमें लास्ट में वाई है और उससे पहले वाबेल है, इसलिए इसमें क्या जुड़ गया, एस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा बस, ठीक। यहाँ पर आपका हो जाता है सातवां रूल, ठीक है। कौन सा रूल, सातवां रूल, जो कि सातवां रूल, इसी में दो रूल बता दिया, इसको भी उसमें बता, तो उस आधार पर हो जाता, कम रूल हो जाते, पर यहाँ पर आपके लिए सभी चीजें एकदम इजी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो परंतु प्लूरल में यस या यस को जोड़कर नहीं, मतलब यस या यस नहीं जोड़ेंगे, साधारण कोई रूल नहीं लगाएंगे, परंतु उसके उसके स्पेलिंग में कोई अदर कैरेक्टर्स, उस कोई अंदर अलग स्वर बदल करके, ठीक कुछ सिंगुलर नाउन में यस या यस ना लगाकर, बीच के वावेल को बदल कर, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, बीच के वावेल जो होते हैं उनको बदल करके बनाना होगा। जैसे जैसे यहां पर है फूड, क्या है फूड, ये क्या हो जा रहा है, फीट, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं देखूं मैन, मैन का क्या हो जा रहा है, मैन, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं देखूं टूथ, तो क्या हो जा रहा है, टीथ। और इसी तरीके से अगर मैं देखूं ओमेन, तो क्या हो जा रहा है, ओमेन। फर्क देखिए क्या क्या कहाँ पर है, फर्क यहाँ पर है, जहां डबल ओ दिख रहा है वहां पर डबल ई है, यहाँ पर जहां पर अगर देखें डबल ओ है डबल ई है, इसमें जहां पर ए था वहां पर ई हो गया, इसमें भी बस इस तरीके से एक रूल और काम करता है। अब हो जाता है आपके लिए आठवां, कौन सा, आठवां रूल, ठीक है। अब इसमें रूल की कोई बात नहीं है, सिंगुलर जो होगा और प्लूरल जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, कुछ अलग, बिना नियम के, बिना नियम के यानी कोई रूल के नहीं। जैसे अब जैसे में आपको देखना है, जैसे कि ऑक्स है, ऑक्स का क्या होगा, इसी तरीके से अगर देखें चाइल्ड है, चाइल्ड का क्या होगा, इसी तरीके से अगर देखें फार्मूला है, क्या फार्मूला, फार्मूला है। और इसी तरीके से देखें क्राइटेरियन है, अब इसको आपस में बदलें, अगर ऑक्स का जो होता है वो हो जाता है ऑक्सेन, कोई रूल नहीं, चाइल्ड का जो हो जाता है वो होता था चिल्ड्रेन, कोई रूल नहीं, फार्मूला का क्या हो जाता है, फार्मूले, फार्मूले, और क्राइटेरियन का क्या हो जाता है, क्रिटेरिया यानी क्राइटेरिया, ठीक। इस तरीके से चेंजेज होते हैं। अब कुछ ऐसे आपके एकवचन बहुवचन वाले आपके होंगे, जैसे कि उसमें मैंने बोला कि एफ हो डबल एफ हो, इस तरीके से वहां पर बोला था, तो कुछ यहाँ पर है, सभी को मिलाकर देखता है, नो,
यदि सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, अंत में आपका एफ और एफ डबल एफ और एफ ई हो तो एस जोड़कर बनाया जाता है, एस जोड़कर बनाया जाता है। जैसे यहां पर कंडीशन क्या थी, एफ और एफ ई था तो उसको हटा करके वी में बदल के लगाया, लेकिन यहां पर एफ ए डबल एफ ऐसे ऐसे हो तो इसमें कुछ नहीं करना है, वो ऐसे चेंज होगा। जैसे देखिए, चीफ्स क्या है, चीफ, तो यहां पर हो जाएगा चीफ्स। ठीक, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे रूफ तो किसका हो जाता है, रूफ्स। इसी तरीके से अगर देखेंगे ग्रीफ, ये क्या हो जाएगा, ग्रीफ्स। ठीक, केवल एस लगा के बनाया गया है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं इसमें। अब आ जाता है 10 नंबर रूल। कौन सा रूल? 10 नंबर रूल। इसमें क्या है, कंपाउंड नाउन हो, कोई कंपाउंड नाउन हो तो उसके बाद एस को जोड़ करके, किस को जोड़ करके, कंपाउंड नाउन में एस को जोड़ करके। मुख्य नाउन में एस जोड़कर, जैसे जैसे में आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड नाउन आपका क्या हो जाता है, पासर बाई। तो पासर बाई में से देखिए, मेन बोला गया है कि जो मेन नाउन हो, नाउन पासर है, तो इसमें हमें लगाना है, इसमें क्या लगाना है, एस लगाना है, यानी ये हो जाएगा पासर्स, उसके बाद बाई। ठीक, और इसी तरीके से आपका दूसरा अगर मैं देखूं, पोस्टमैन क्या है, तो मेन क्लोज में इस मतलब मेन शब्द में बदला होगा, यानी कि पोस्ट, तो मैन का क्या हो जाएगा, मेन, इस तरीके से बदलना है। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है 11 नंबर रूल। क्या, 11 नंबर रूल। 11 नंबर रूल में क्या है कि आपका कोई कंपाउंड नाउन हो और उसमें जो आपका कोई मैन और ओमैन का प्रयोग किया जाए, तो आपका ओमैन और ओमैन के हिसाब से आपका चेंजेज होगा, और उसके साथ साथ एस आई एस में भी चेंजेज होगा। यहाँ पर मैन रहेगा वो मैन हो जाएगा, ओमैन रहेगा तो उसमें भी मैन आ रहा है तो ओमैन हो जाएगा, ये चीजें होगी, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका कुछ अलग रूल है, उनको देखना है। जिसमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं कि वो सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में वैसे हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वैसे होते, जो सिंगुलर और दोनों में वैसे रहें। दोनों में वैसे रहते हैं। ठीक है, 12 नंबर रूल क्या है, 12 नंबर रूल में है जो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल रहते हैं, हमेशा हमेशा प्लूरल रहते हैं। जैसे जैसे दोनों में बताते हैं, सबसे पहले से बोला गया है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वैसे होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला आपका आ जाता है जैसे कि कोड। ठीक, इसी तरीके से आ गया डोजन, इसी तरीके से आ गया आपका
मिलियन, इसी तरीके से आपका आ जाएगा ब्रेस, एयरक्राफ्ट। ठीक, ये सारे हो गए। और इसमें जो है हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, प्लूरल में हमेशा रहेंगे, यानी वो चाहे जब देखेंगे तो वो ऐसे ही रहते हैं। जैसे कैटल, फॉल्क, जेंट्री, प्यूपल, पोलिस, इस तरीके से ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो अब यहां पर इस तरीके से बहुत सारी हैं आपको, जिसको आपको बदल करके देखना है इन रूलों का प्रयोग करके। तो हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में देते हैं होमवर्क के रूप में, जरूर लिख लीजिएगा आपके लिए होमवर्क के रूप में। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं दे देता हूं आपके लिए प्रूफ, उसके बाद गोइश, स्टफ, उसके बाद आपका क्लिफ, क्लिफ हो गया। और इन सब में कोई रूल? एक्सेस, माउथफुल, मीडियम, लुकआउट, ऐसे। ये आपका होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, सभी का एक साथ आपको दे देना है। तो कोई कमेंट नहीं करता है, कोई किसी को मजा नहीं आता है, वो आपकी इच्छा है। बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पर दे दिए हैं आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना और होमवर्क करना। कोई दिक्कत हो तो आपको एक बार फिर कमेंट करना, पूरा हमने रूल्स लिख दिए हैं, बस यही सारे रूल्स को फॉलो करना, एक बार आपको रिविजन करना, दो बार आपके लिए दिमाग में बैठ जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो पूरा क्लास आपका फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, या किसी भी क्लास चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और हम अगर आपको कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो चाहिए तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, नहीं सर्च कर लेना मास्टर मोबाइल टेक चैनल। तो यहाँ तक वीडियो देखें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार जरूर प्ले लिस्ट चेक करिएगा, आपको इंग्लिश की एकदम बेसिक क्लास मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, जरूर एक बार चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट जरूर करिए इन सबका। ओके, जय हिंद।